दोस्तों बजट में BSNL की बल्ले बल्ले हो गया है। 1.28 लाख करोड़ से बदलेगी सूरत सरकार का नया प्लान। जी हां मेरे दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में BSNL की बल्ले बल्ले कर दी है। दोस्तों इस पर तो एक लाइक जरूर बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल BSNL कंपनी लंबे वक्त से बुनियादी ढांचागत बदलाव का इंतजार कर रही है। जहाँ प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर 4G और 5G जैसे सेवा सर्विस ऑफर कर रहे, तो वही अभी BSNL की ओर से 3G और 4G सर्विस पे काम चला जा रहा है। हालांकि महंगे रिचार्ज के बाद से यूजर्स दोबारा से BSNL की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में सरकार ने BSNL को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार मोटा पैसा खर्च करने जा रही है। जी हां दोस्तों, बजट 2024 में केंद्र सरकार की ओर से 1.28 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया गया है, जिसे टेलीकॉम प्रोजेक्ट और सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की टेक्नोलॉजी अपडेट पर खर्च किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल बजट आवंटन में BSNL और MTNL को करीब 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 82,916 करोड़ रुपये BSNL के टेक्नोलॉजी अपग्रेड और बुनियादी ढांचे में बदलाव पर खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की ओर से 1,28,915 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही 17,000 करोड़ रुपये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF से आएंगे। इससे 17,000 करोड़ रुपये के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारत नेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। इसमें से 17,510 करोड़ रुपये को डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब BSNL जो है तेजी से गरो 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 यहाँ पे देख सकते हैं टेलीकॉम कंपनी में जो है सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पे BSNL जो है दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताइएगा।